हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निकल हट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचिका सोनी और स्क्रैच प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज की फिफ्थ वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इवेंट्स ब्लॉक के बारे में। इवेंट्स ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स ब्लॉक हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके अगर हमको कुछ कोड परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे अगर हम फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तो जब फ्लैग क्लिक हो तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो, या फिर हम इसे स्प्राइट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो, या फिर हम कोई की स्पेस कर रहे हैं उसके बाद कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो। ठीक है, तो व्हेन फ्लैग क्लिक तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो जैसे ही हम फ्लैग को क्लिक करते हैं ये कोड प्रॉपर पूरा आ नहीं रहा है, पहले मुझे स्प्राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। यस, स्प्राइट का कोड चाहिए हमको तो हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो मैंने जैसे ही फ्लैग पे क्लिक किया क्या मैसेज शो होना चाहिए, हेलो। जैसे फ्लैग पे क्लिक किया हेलो, ठीक है, ये फ्लैग वाला तो हम कब से समझ ही रहे हैं। अब अपन अगला देखते हैं, इसको तो रख ही रहने देते हैं। अगला है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अगर आप कोई सी पर्टिकुलर की प्रेस होगी, अपन और भी की चूज कर सकते हैं इसमें से, जो चूज की है वो की प्रेस हुई तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया थिंक। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूंगी ये हेलो मैसेज शो होगा 2 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद अगर मैं स्पेस की प्रेस करूंगी तो फिर ये हुम मैसेज शो होगा। तो मैं फ्लैग क्लिक करती हूँ, अब ये 2 सेकंड्स के लिए हेलो मैसेज शो हुआ। अब मैं स्पेस की प्रेस करती हूँ तो इसमें हुम मैसेज शो होगा। अगर मैंने स्पेस की प्रेस नहीं की तो ये मैसेज शो नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज When sprite is clicked, अभी तो ये मैंने की प्रेस की थी, अगर अपन sprite पे क्लिक करें तो ये home message show हो। sprite मतलब ये जो इतनी particular image है वो, उस पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो अपन फिर से flag play करते हैं, hello message show हुआ 2 सेकंड के लिए। अब मैं अगर जब तक मैं sprite पे क्लिक नहीं करूँगी ये home message show नहीं होगा। चलो अब मैं sprite पे क्लिक करती हूँ तो ये home message show हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज loudness। loudness जब 10 से ज़्यादा हो तब कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो। ये मैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स वगैरह में या गेम्स में यूज़ होता है, तो आगे हम यूज़ करेंगे तब मैं बता दूंगी। अभी अभी प्रैक्टिकली अभी करके देख सकते हैं। मैं आगे थोड़ा सा स्विच करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन आई रिसीव मैसेज वाला, ब्रॉडकास्ट मैसेज वाला और ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड वेट वाला। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे फ्लैग क्लिक किया हेलो मैसेज शो हुआ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अब मुझे एक चीज़ और लेनी, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक बटन में बना लूँ, उस बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये दौड़ने लग जाए कैट, मैं ऐसा चाहती हूँ। ठीक है, तो अपन में एक और इमेज मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, बटन। तो अपन यहाँ से एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी ये बटन मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, नाउ इसके कोड पे जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे इसमें बटन पे क्लिक करूं तो अपन क्या इसमें क्या कोड यूज करेंगे, व्हेन स्प्राइट इज क्लिक्ड, जब ये वाली स्प्राइट क्लिक हो तो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज मतलब अपन एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, और अब अपन इस स्प्राइट पे वापस आएंगे और जैसे ही स्प्राइट पे आते हैं और कंडीशन लगाएंगे व्हेन मैसेज रिसीव, जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तो अपन क्या चाहते हैं कि जो ये स्टेप्स चलने लग जाए, है ना, दौड़ाना चाहते हैं अपन इसको, तो अपन इसमें लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं क्या हो रहा है। अभी जैसे ही मैंने फ्लैग पे क्लिक किया हेलो मैसेज शो हुआ 2 सेकंड के लिए, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ब्रॉडकास्ट होगा मैसेज और ये स्टेप्स उसने नेक्स्ट स्टेप चली। अब मैं इसको दौड़ाना चाहती हूँ तो क्या करूँगी मैं, एक फॉरएवर लूप होता है, फॉरएवर लूप, ये कंट्रोल लूप अपन बाद में पढ़ेंगे पर आप फॉरएवर लूप समझ लीजिए। फॉरएवर लूप में क्या होता है, अभी एक नेक्स्ट स्टेप चली इसने, फॉरएवर लूप में क्या हो, लगातार वो स्टेप चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने फ्लैग पे क्लिक करूँगी हेलो मैसेज शो होगा, और जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा है कि जब स्प्राइट पे क्लिक होगा ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, तो मतलब इसको मैसेज चल जाएगा कि आपको स्टेप्स चलनी है, और यहाँ पे फिर से ये जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तो वो स्टेप्स चलने लगेगा। तो अपन प्ले करते हैं, प्ले किया हेलो मैसेज होगा 2 सेकंड के लिए, अब मेरे को मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगी तब ये चलेगा। अब मेरी इच्छा होती, चलो अपन प्ले करते हैं इसको, ये
तो ये भागने लग गया, अब मैं स्टॉप करूंगी तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अब वापस मैंने फ्लैग किया, हेलो मैसेज शो हुआ, जब मैं इसको प्ले करूंगी ये भागने लग गया, ये स्टॉप हुआ। तो ये एक स्टेप है, इससे बहुत सारी कोडिंग करके अपन बड़ा सा गेम बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे ये ऑपरेट हुआ है। आगे के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए टेक्निकल हिट यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।